लेफ्ट के पीछे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है। हाँ, ये बिल्डिंग ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है कॉफी बाय टी वाला, और ये बीच रहे हैं। ग्रेट। तो अभी मैं रिक्शा में हूँ और ये व्लॉग बिल्कुल भी प्लान व्लॉग नहीं है। आई एम गोइंग समवेयर और मैंने सोचा जहाँ भी जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, सब आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस व्लॉग में एक सरप्राइज होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये वीडियो। फ़िलहाल के लिए अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड के घर से जहाँ मुझे जाना है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो वो उल्टा मुझे पिक करने के लिए नहीं आता, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बनिए रहिए इस व्लॉग में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई हैव रीच टू माय फ्रेंड्स प्लेस, तो मैं उतर जाती हूँ अभी। ये लो भैया, सो ही इज कमिंग टू पिक मी अप। हाउ आर यू डूइंग? हाय। How are you doing? Doing good. सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो वो सरप्राइज़ देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। और ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है कॉफी बाय टी वाला, और ये बीच रहे बीच। ये जो कॉफी टी वाला था, ये था उसका क्या नाम है यार, मुझे याद है। मेट्रो स्टेशन, ये है आपकी मॉडल टाउन रोड। कौन सा? ये है मुंबई का मॉडल टाउन रोड, मॉडल टाउन। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, पर हमारी किस्मत अभी नहीं मिला, और अभी हम सिग्नल तोड़ के घुस जाएंगे सीधा अंदर, और ये हम सिग्नल तोड़ के घुस गए हैं। और ये जो हमारे बिल्कुल सामने रेड कलर की, ये है मुंबई की लोकल बस, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। चलिए, सिग्नल पे आके हम फंस ही गए हैं, और ये सिग्नल पे फंस गए। यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग और ऑडिशंस वगैरह रहते हैं, जैसे कि आप जानते हो ये एक्टर हैं, इनको पता रहेगा, मुझे नहीं है इसके बारे में कोई आइडिया। राइट में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी थोड़ा रश रहता। सो यू गाइज मस्ट हैव हर्ड कि मुंबई में बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। ये रही सामने आपकी बिल्डिंग, और यहाँ पे मे बी किसी का कोई फंक्शन चल रहा है, क्योंकि सामने सजी हुई कार दिखाई दे रही है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर अबाउट टू रीच, आई एम सो एक्साइटेड।
आर फाइनली एट द डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं हम लोग। ये उतर गए हैं बाइक से, हेलमेट उतारते हुए, बाल सेट करते हुए। बस बस ठीक है, आउटफिट ऑफ द डे। सो कैसे हैं आप, आपने बताया नहीं हमें। सो गाइस, आप पहली चीज़ क्या करते हो जब कहीं जाते हो? ऑफ कोर्स अगर गाड़ी लेके गए हो तो आपको पार्किंग की टेंशन रहती है, तो मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पे पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। ये सामने लिखा हुआ है पे एंड पार्क, और यहाँ पे चार्जेस जो है वो बहुत कम है। कितना है बाइक का? 220 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, और कार का 40 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स। अगर एक्स्ट्रा टाइमिंग लेते हो तो 10 रुपीज़ पर आवर। और ये लोकेशन है ओशिवारा गोरेगांव हारमनी मॉल। अब चलते हैं आगे। आप पास भी बना सकते हो जो आपका 150 का पास बनेगा और पूरा महीना रहेगा। अच्छा। मेरा पास चल रहा है। हाँ, क्योंकि ये आते रहते हैं, यहाँ पे होते हैं पूरा दिन। दिस इज़ हाउ दिस मॉल इज लुकिंग। सबसे पहले ऊपर है कार्निवल सिनेमाज। ऑलमोस्ट खाली है ना ये मॉल अभी फिलहाल, नया नया सब चालू हुआ। तो मेरी वीडियो बनाएगा नौकर आया हूँ, वीडियो बनाने आया तब कोई नहीं। हाय गाइस, तो मैं इस जगह की बात कर रही थी आपसे। आई होप मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। सो दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। तो एक्चुअली ये है हारमनी मॉल, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ कहीं पे। मेरे साथ साथ चलिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और एक और चीज़, आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी करोगे और वो नोटिफिकेशन की बेल जो है उसको भी प्रेस करोगे, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर आई विल बी ऑन यूट्यूब। और चलो, बहुत हो गया। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वाइट और ब्लैक कलर की कीज से आपको आई होप कुछ समझ में आ रहा हो, बट अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और अभी एक और चीज़ बताते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मुझे आना था। ये थी आज की लोकेशन। ये एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, नाम आपने पढ़ लिया है, काबुल बुखारी प्रोडक्शंस KB, ये लोगो है। और काबुल बुखारी जी का ये स्टूडियो है जो कि हम लोगों के बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, और उनका ये स्टूडियो है जहाँ पे आज मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए आई हूँ, और गाना भी आपको सुनाया जाएगा। उसके बाद ये है शू रैक, क्योंकि आपको पता होगा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोई भी शूज़ पहन के अंदर नहीं जाता है। ये है एक लेटर बॉक्स, अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या फिर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी मैसेज हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो अपना, जो भी मैसेज है वो यहाँ पे लिख के डाल सकते हो। और ये है बेल, और ये है एंट्रेंस। तो अभी हम अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है राइट नाउ। ये है वेटिंग एरिया, जहाँ पे अगर सपोज आप लोग किसी काम के लिए आए हो और अंदर कोई क्लाइंट है, बिजी है अंदर रूम, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। जब वो लोग चले जाएं तो आप लोग अंदर जाके अपनी बातचीत कर सकते हो। उसके बाद है ये रहा दरवाजे का हैंडल, बहुत जान लगती है ये खोलने में। ये है डबिंग रूम, यहाँ पे हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं। ये रही माइक, और यहाँ से सामने जो भी रिकॉर्डिस्ट होगा ना, वो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ पे हम हेडफोन लगा के रिकॉर्ड करेंगे गाना। तो जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो वो भी थोड़ा सा शूट करूँगी। जब अगर किसी को गाना गाते हुए लिरिक्स भूल जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे लिरिक्स आएंगे, आप लोग स्क्रीन पे लिरिक्स को देखोगे और माइक में गाओगे। ये नहीं है, वो है माइक, सॉरी। तो ये था डबिंग रूम। अब हम अंदर चलते हैं जो मेन रूम, जहाँ पे ओनर जी यानी काबुल बुखारी जी बैठते हैं, और देखते हैं फिर। तो ये है मेन रूम जहाँ पर रिकॉर्डिस्ट बैठता है, जो भी म्यूज़िक की प्रोडक्शन है, मिक्सिंग है, वो सब काम यहाँ पे होता है। आपके साथ जो भी आया होगा वो भी अंदर बैठ के सुन सकता है। तो चल के देखते हैं। So this is how it looks.
सो दिस इज़ द मेन रूम जिसके बारे में बात कर रही थी कि ये सिस्टम है, यहाँ पर रिकॉर्डिस्ट बैठ के आपका गाना रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी मिक्स मास्टर है, म्यूज़िक है, जो भी प्रोडक्शन होती है वो सब यहाँ से होती है। और ये रहे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, वो सामने रहा सिल्वर बटन यूट्यूब की तरफ से। और आपके साथ जो भी साथ में आए हैं वो यहाँ पर बैठ के आपका वेट कर सकते हैं और सामने आपको देख सकते हैं जब आप डबिंग रूम में गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यही था स्टूडियो के बारे में, तो ये था स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अब हम आते हैं मेन बात पे, जो एक सरप्राइज़ था कि मैं एक गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ और आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि काबुल जी यहाँ पर है ही नहीं तो गाना कौन रिकॉर्ड करेगा। तो याद है ना वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको अपने दोस्त से मिलवाया था, वो दोस्त अभी कैमरे के पीछे है जो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वही मेरा गाना रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि मोजेस और काबुल जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आजकल एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन में है, इसलिए वो मेरा गाना रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस एक्चुअली मैं थोड़ी नर्वस हूँ इस टाइम और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा शांत हो जाऊँ, इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि पहले इसका गाना सुना जाए कि म्यूज़िक स्टूडियो में कैसा साउंड करता है। तो सुनते हैं। वे मैं ता हूं पकडंडी लबदी है जरा जन्नत की। चलिए ठीक है मोहतरमा, आप जाएँ फिर डबिंग रूम में। सबसे पहले आपका एक डमी ले लेते हैं। ओके। डमी माने तो सिर्फ आपका मेट्रोनोम पे एक वोकल ले लेते हैं हम, जिस पे हम एज ए डमी रखेंगे, जिसको जिस पे हम म्यूजिक बनाएंगे। तो वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको हफ्ते 10 दिन में आपका गाना दे देंगे। ठीक है, निकलिए फिर। चलो हेडफोन लगाओ। हेडफोन है कि इनको मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अब इनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ। अरे यार कैसा हुआ है? बस आप टेंशन ना ले, आप बैठे, जैसा भी हुआ जो भी हुआ ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इसीलिए पूछ रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बस इतना कहूँगा कि अभी से हम म्यूज़िक तैयार कर लेंगे, उसके बाद 3-4 दिन में जब भी टाइम लगेगा तो आपको फिर से बुलाएंगे, फाइनल वोकल करेंगे। ओके। उसके बाद उसके 1-2 दिन बाद आपको गाना दे दिया जाएगा। अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनाऊँगा और एकदम ही काम करने के बाद सुनाऊंगा। अभी मैं काम कर... नहीं।, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जितना आपने साथ साथ में जो सुना है उतना ठीक है, आपने सुन लिया। हाँ। एक ही बार आपको फाइनल करके फिर जब म्यूजिक डन कर लेंगे, फाइनल वोकल के लिए बुलाएंगे, उसके बाद करने के बाद 2 दिन या 1 दिन में आपको दे देंगे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो आपको दे देंगे, बाकी अभी नहीं सुनाने वाला। अब देखें, अब जो करना है, आप बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, मुझे थोड़ा काम करना है। ओके, आप करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो फॉर नाउ एज ही इज़ वर्किंग, उसने बोला कि उसको काम करना है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए अबाउट द स्टूडियो, कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वॉज़ फॉर द लाइक फर्स्ट टाइम मैंने स्टूडियो में जाके प्रॉपर ऐसे रिकॉर्ड किया है कोई गाना, और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सबसे मेन चीज़ वॉज पार्किंग, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पार्किंग का प्रॉब्लम हर जगह मिलने ही वाला है, और सबसे सॉर्टेड है, आराम से आप लोग पार्क कर सकते हो। सेकेंड चीज़, वर्क इन्वायरमेंट बहुत प्रोफेशनल टाइप का इन्वायरमेंट है, कोई खप खाना नहीं है, बिल्कुल शांति से काम करो, अपना काम किया और वापस चले गए। और तीसरी चीज़ कि आप लोग अगर अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस स्टूडियो में डू कम, विज़िट कीजिए, आके इन्वायरमेंट देखिए, और अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हो, अपना वोकल रिकॉर्ड करवाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन है गोरेगांव मुंबई, अब मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग उधमपुर, जम्मू कश्मीर यहाँ से भी हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़, आई हैव टू से इन दिस वीडियो, कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो आप लोग घर बैठे यहाँ से काम भी करवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ दे दूँगी, आप लोग स्टूडियो के जो
कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो यही था आज के ब्लॉग में, और मुझे दीजिए इजाज़त, अब हम चलते हैं। और मेरा जो गाना आज मैंने रिकॉर्ड किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आई थिंक उसने बताया कि ही विल टेक लाइक 4 to 5 days, तो जैसे ही मुझे मेरा गाना मिलेगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा, वैसे ही मैं YouTube पे पोस्ट करूँगी, और मैंने क्या रिकॉर्ड किया वो आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। सो आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाई।